नमस्कार दोस्तों, नदियों का कंप्लीट पार्ट मैंने कराने की बात आज जो है जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं। देखिए, जलप्रपात वो होते हैं जब नदी किसी ऊंचे स्थान से गिरती है, अर्थात एक फाल के रूप में गिरती है, तो उसे जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, अपने मध्य प्रदेश में बहुत से जलप्रपात हैं और आप देख सकते हैं कुछ रमणीय हैं, कुछ दार्शनिक स्थल हो गए हैं, है ना। तो देखिए, कुछ लोग जो है जलप्रपात को ट्रिक के माध्यम से याद कराते हैं, कुछ लोग जो है बताते हैं कि किस तरीके से याद करें, कैसा क्या है। बाकी मेरा जो पढ़ाने का है, मैं जिस चीज पे बिलीव करता हूं, मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे अच्छा तरीका मैप का है। यदि आप मैप से उस चीज को समझ जाते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको लाइफ टाइम के लिए माइंड में सेट हो जाती है। तो आज अपन पढ़ते हैं जलप्रपात कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी नदी है उसी के बारे में पढ़ते हैं, नर्मदा नदी के बारे में पढ़ते हैं कि नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो आप देखोगे, सबसे पहले इसका उद्गम स्थल बताइए। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है यहाँ पर है, यहाँ पर जो है अमरकंठक के पास। ठीक है, अमरकंठक के पास से नर्मदा नदी निकलती है। तो अमरकंठक के पास से 8 किलोमीटर दूर, यहां से जो है 8 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर, मतलब अनूपपुर में ही है, सबसे पहला जलप्रपात बनाती है, जिसका नाम क्या है, कपिल धारा जलप्रपात। यहां लिख देता हूं मैं, कपिल धारा जलप्रपात। ठीक है, कपिल धारा कहां पर पड़ता है, अनूपपुर में पड़ता है, नदी के 8 किलोमीटर दूर। आगे इसके बाद ये कितने मीटर ऊपर से गिरता है, ये भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सा जलप्रपात कितने मीटर ऊंचा से गिरता है। ये जो है 15 मीटर ऊंचाई से, 15 मीटर ऊंचाई से, ध्यान रखिएगा 15 मीटर, ये मैंने लिख दिया है 5 m, अर्थात 15 मीटर ऊंचाई से 8 किलोमीटर नर्मदा नदी के। इसके बाद 100 किलोमीटर दूरी पर, आगे 100 किलोमीटर आएगा, फिर देखना यहाँ पे, तो 100 किलोमीटर दूरी पर एक जलप्रपात बनाती है, 100 किलोमीटर दूर जो होगा अनूपपुर जिला ही आएगा, वहां पे जो बनाती है दुग्ध धारा जलप्रपात। यहां मैं लिख देता हूं दुग्ध धारा जलप्रपात। दुग्ध धारा जलप्रपात कहां बनाती है, अनूपपुर जिले में बनाती है। कितने मीटर ऊंचाई से, 15 मीटर से कम, 15 मीटर से कम। दोनों जलप्रपात कहां बनते हैं, अनूपपुर जिले में बनते हैं, दूरी याद रख ली 8 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। इसके बाद यहाँ इसका ये डायरेक्शन बनता है, यहाँ से ये जबलपुर से होती हुई, यहाँ से होती हुई यहाँ पर ये महाराष्ट्र होती खंबात की खाड़ी में, यहाँ पर इसका समापन है खंबात की खाड़ी में, यहाँ से ये इसकी लोकेशन बनती है। तो अपन में पहला यहाँ पर एक पढ़ लिया, यहाँ पर दूसरा पढ़ लिया 100 किलोमीटर दूरी पर। अब तीसरा जो है यहाँ पर है, यहाँ पर जो है अपना जबलपुर जिला पड़ता है, कौन सा जिला पड़ता है, जबलपुर जिला। यहाँ पे बेड़ाघाट नामक स्थान पर धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार, ये कहां पर है, बेड़ाघाट, बेड़ाघाट पर है ना, बेड़ाघाट जलप्रपात बनाती है। और ये जो है 18 मीटर ऊंचाई पे, 18 मीटर ऊंचाई पे, ध्यान रखिएगा 18 मीटर ऊंचाई पे बनाती है ना। बेड़ाघाट कहां पर है, जबलपुर में, आप ध्यान रखो। तीसरा होगा, अब चौथा जो जलप्रपात है वो है सहस्त्रधारा जलप्रपात। चौथा जलप्रपात जो है यहां बनाती है, इसका नाम क्या है, सहस्त्रधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात। ठीक है, ये जो है कहां पर है, पश्चिमी निमाड़ अर्थात खरगोन में, ये जो है पश्चिमी निमाड़ बोलते हैं जिसको अपन, पश्चिमी निमाड़ है ना, पश्चिमी निमाड़, पश्चिमी निमाड़ जिसे अपन खरगोन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा खरगोन। ठीक है, खरगोन, खरगोन में बनाती है कौन सा, सहस्त्रधारा जलप्रपात। कितना किलोमीटर है ये, 8 मीटर, ध्यान रखिएगा 8 मीटर है ये, है ना, 18 से 8 मीटर हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं मानधार जलप्रपात बनाती है, मानधार। इसके बाद जो है कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4, 4 जलप्रपात जो हो गए अपने प्रमुख जलप्रपात हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं 4, यहाँ जो है मैसूर में हो जाते हैं अपने सहस्त्रधारा जलप्रपात। अब पढ़ते हैं यहाँ पर जो है एक दर्दी पड़ता है और एक मानधार पड़ता है, जो यहाँ पर खंडवा पड़ता है। यहाँ देखोगे कौन सा, दर्दी, जिसको अपन कैसे लिख सकते हैं, दर्दी, दर्दी जलप्रपात, और कौन सा, मानधार जलप्रपात, मानधार, मानधार है ना, मानधार जलप्रपात। दो जलप्रपात जो है यहाँ, बड़वाहा, ध्यान रखना इस तरह का नाम, बड़वाहा, ये जो है खंडवा जिले में है, खंडवा जिले में। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ओम कालेश्वर बोलते हैं, ओम कालेश्वर। कभी प्रश्न बन जाए कि कहाँ पर है, तो खंडवा ऑप्शन होगा, या तो फिर बड़ा बड़ा हरा पूछ सकते हैं, या तो फिर ओम कालेश्वर पूछ सकते हैं। पढ़िए कितने जलप्रपात पढ़िए, 1 2 3 4 5 6, 6 जलप्रपात है जिसको एक ही कहना जाता है, क्योंकि एक जिले में 2 जलप्रपात है, दर्दी और मानधार। अब इसको कैसे याद करें, और ये जो 18 मीटर ऊंचाई पर है, कौन सा जलप्रपात, मानधार जलप्रपात, ये है 18 मीटर ऊंचाई पर,
ध्यान रखिएगा आप इसको, 18 मीटर पर मानधार जलप्रपात, धरती का कोई ऐसा विशेष नहीं है, छोटा सा जलप्रपात है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करें, नर्मदा नदी पे कितने जलप्रपात है, कौन सा कहां है। सबसे पहले देखते हैं कपिल धारा, जल निकला, जल को क्या बोलते हैं कपिल, मान लो कपिल धारा मतलब जल निकला कहां से, अनूपपुर से निकला, कपिल धारा बन गया। ठीक है, आंकड़े याद करने पड़ेगी, नाम उसका और स्थान का नाम, कपिल के बाद वो दुग्ध बन गया मतलब दूध में परिवर्तित हो गया, कहां पे, अनूपपुर जिले में ही बदला। अनूपपुर के बाद जैसे ही आगे बढ़ा तो धुआंधार, अब दूध कैसा होता है, धुआंधार सफेद की तरह होता है, तो धुआंधार बन के कहां पे आगे और आगे आगे जबलपुर, वहां पे धुआंधार बन गया। धुआंधार के फिर आगे आया तो उसने सहस्त्र को मतलब धुआंधार के बाद सहस्त्र बोलते अपने, कोई सहस्त्रधारी आ गया उसके सामने, सहस्त्रधारी के बाद आ गया जो कहां पे धरती और कौन सा मानधार, उसने पहले उसको मनाया, जब नहीं माना तो उसको क्या किया, उसको दंडित किया, तो धरती बन गया। आप याद करो कपिल धारा एक जल के रूप में पहले आया शांत रूप से, फिर यहाँ पे दुग्ध धारा बन गई, दुग्ध धारा कहाँ पे, अनूपपुर में, फिर जैसे जबलपुर में आया तो वो क्या बन गया, एक एक्चुअली क्या बोल सकते हो उसको, धुआंधार, धुआंधार के रूप में बहुत विस्तृत देखा हुआ बेड़ा घाट में आपने। तो इसके बाद आया तो उसने सहस्त्र धारा एक उसके सामने सहस्त्र रूप धारा देखी, यहाँ पे फैल गया, फिर यहाँ पे सहस्त्र धारण कर लिया। उसके फिर आया आगे खंडवा में, खंडवा में उसने क्या किया, मानधार, उसने माना, उसने क्या की, प्रार्थना की, जब नहीं माना तो उसको दंड दिया। ध्यान रख सकते हैं अनूपपुर में दो हो गए, उसके बाद अपना ये धुआंधार कहाँ पर होगा, बेड़ा घाट में, इसके बाद पश्चिम मीमार में सहस्त्र धारा, यहाँ पे धरती पड़ी। आप ऊंचाई नंबर याद कर सकते हैं 8 किलोमीटर, वो ट्रिक अच्छी है। देखो आठ सबसे पहले 15 से फिर 8 15 किलोमीटर, ये सॉरी 15 मीटर ऊंचाई से 15 से कम, फिर 15 के बाद 18 धुआंधार, 18 से फिर 8 से पहुंचा, 18 के बाद ये मैंने 18 मीटर पे कौन सा मानधार, ये कुछ हो जाते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं अपन चंबल नदी पे कौन कौन से जलप्रपात हैं। देखिए दोस्तों नर्मदा नदी की अपने सब पढ़ ली थी, अब पढ़ते हैं चंबल नदी के बारे में। ठीक है, चंबल नदी, अब चंबल नदी थोड़ा दिखा नहीं, अच्छे से देख लेना उसको, चंबल नदी पर कौन कौन से जलप्रपात है। ठीक है, तो सबसे पहले चंबल नदी यहां से निकलती है इंदौर से, इंदौर के महू जाना पा पहाड़ी से निकलती है, यहां से ये निकली, यहां से ये होती हुई चंबल मंदसौर से होती हुई यहां पर ये आगे निकलती है, फिर वापस इसी में आती हुई यहाँ यमुना के पास मिल जाती है। तो सबसे पहले इंदौर में ही दो जलप्रपात बनाते हैं, पहला पाताल पानी, कहां पर, इंदौर में, पाताल पानी इंदौर में जो रहते हैं उनको देखने जाना जरूरी पड़ेगा, पाताल पानी, एक जलप्रपात पाताल पानी, दूसरा है झाड़ी, कौन सा, झाड़ी दाह जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात है, पहला है जो पानी पाताल पानी जलप्रपात, दूसरा जो है कौन सा है, इंदौर के पास ही दो जलप्रपात बनाती है, पहला हो गया पाताल पानी, दूसरा जो हो गया झाड़ी दाह जलप्रपात, झाड़ी दाह जलप्रपात, झाड़ी दाह जलप्रपात, ये दोनों जो है ये इंदौर के पास पड़ते हैं, इसको ऐसे एरो में दर्शा सकते हैं ऐसे, है ना, ऐसे, ये कहाँ, इंदौर के पास पड़ते हैं दोनों। इसके कोई विशेष गांव के नाम नहीं है ना, मैं गांव का नाम बता देता, दोनों यात्रा के चंबल नदी पर पड़ती है, किस नदी पर पड़ते हैं, चंबल नदी पर, और यहाँ पर जाती हुई यहाँ से ये जाती है, और यहाँ पर जो है मंदसौर पड़ता है, मंदसौर के भैरोसगढ़, मैंने आपको बताया भैरोसगढ़ यहाँ पे है, भैंस रोड गढ़, ये यहाँ पे ऐसा लिखते हैं भैंस रोड गढ़, ये यहाँ पे पड़ता है मंदसौर जिले के, मंदसौर जिले के भैरोसगढ़ नामक स्थान पर एक जलप्रपात बनाती है, जैसे चूलिया जलप्रपात कहते हैं, कौन सा, चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात कहाँ से निकली, यहाँ से निकली, इंदौर, इंदौर में पाताल पानी, पाताल फोड़ा पे झाड़ी नुमा, उस झाड़ी देखो पाताल देखा होगा, तो पाताल से जल निकलता है तो झाड़ियों के रूप में निकलता है, तो पाताल से निकला कौन, झाड़ी नुमा, तो कहाँ, इंदौर में, बूंद बूंद इंदपुर, इंदौर से निकला पाताल पानी, झाड़ी नुमा, यहाँ से निकलती हुई मंदसौर, थोड़ा जल क्या मंद हो रहा, पर चूलिया जलप्रपात के मतलब फिर फैल गया वहां पे, तो कितने पाताल पानी से क्या निकला, पाताल जब बूंदे पाताल फूट गया तो जल गिरा, पाताल से झाड़ी नुमा मतलब बूंदे बूंदे के रूप में जल निकला, यहाँ से निकलता हुआ तो कहाँ से, इंदौर से, इंदौर से निकला फिर कहाँ पहुंचा, मंदसौर में, तो मंद गति से हो गया, फिर यहाँ पे चूलिया, फिर वो क्या हो गया, चूल मतलब फैल गया यहाँ पे, तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे तीन जलप्रपात हो गए, दो तो एक जिले में है। इसके बाद पढ़ते हैं रीवा जिले में कौन कौन से जलप्रपात प्रमुख रूप से है। देखिए सर यहाँ पर देखते हैं अपन चंबल नदी हो गया, अब मैं नदियों के नाम से नहीं क्योंकि इसमें विशेष नहीं, अब मैं रीवा जिले के बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ देखूंगी रीवा जिले पर जलप्रपात है, क्योंकि सबसे पहले सबसे ज्यादा इसमें जलप्रपात है रीवा जिले में, कहाँ पड़ता है, यहाँ जो है रीवा अपना क्या है पड़ता है यहाँ पर। अब इसमें बहुत से जलप्रपात मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले विहर नदी पर विहर जलप्रपात, ये सरमोट के पास में है, यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले जो जलप्रपात है, जलप्रपात का नाम क्या है, कौन सा जलप्रपात है, बिहार नदी पर चचाई जलप्रपात, सबसे कितनी इसकी लंबाई कितनी है, सबसे बड़ा जलप्रपात है ये चचाई जलप्रपात। ठीक है,
जलप्रपात, ये जो है सबसे बड़ा जलप्रपात है मध्य प्रदेश का। कौन सा जलप्रपात है? चचाई जलप्रपात। ये जो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है। कितना है? 130 मीटर, 130 मीटर सबसे बड़ा। कहां पर है? कौन सी नदी पर है? तो विहर नदी पर है। विहर नदी पर, ध्यान रखिए, विहर नदी पर जलप्रपात, चचाई जलप्रपात कहां पर है? रीवा में है। ठीक है, रीवा में है चचाई जलप्रपात, 130 मीटर ऊंचाई पे। लोकेशन देख लो आप। दूसरा है केवटी जलप्रपात, दूसरा है केवटी जलप्रपात। ये कौन सी नदी पर है? केवटी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? केवटी नदी पर है। तीसरा जो कौन सा है? केवटी जलप्रपात है। दूसरा जो है केवटी के बाद है बेहोर, यहाँ पे जो हो गया चचाई, हो गया केवटी, हो गया। और एक जल ये जो है केवटी हो गया, केवटी के बाद बहुटी। बहुटी जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है? बहुटी, कैसे लिखेंगे ये? बहुटी, बहुटी, बहुटी कहाँ पर है ये? ये बहुटी नदी पर है। कहाँ पर है ये? बहुटी नदी पर है। और कहाँ पर है ये सब? रीवा में। आप यहाँ देखो कि रीवा में है। कौन सा ट्रिक देखना आप, इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? ट्रिक, ट्रिक इसको लिखेंगे ट्रिक, है ना? ट्रिक कौन सी है? सबसे पहले चर्चा की किसके बारे में? बहु के बारे में। बहु क्या थी? केवट की थी। मतलब यहाँ पर जो चर्चा कर रहे थे बैठ के, वो बहु कहाँ की? उसकी केवट की थी, कि ये बहु इसकी ऐसी है। ठीक है, कहाँ पर थी? रहने वाले थे रीवा, रीवा से रहने वाले। तो चर्चा चल रही थी बहुटी, बहु नदी पर, केवटी, केवटी मतलब जिसकी केवट की पत्नी का नाम केवटी, उस पर चर्चा चल रही थी। ठीक है, इसके बाद जो पढ़ेंगे विलोही, प्रियावन और पुरवा। विलोही, प्रियावन और पुलवा, इसके बाद ये जो प्रमुख हो गया, अपन ध्यान रख लिया कि चर्चा चल रही थी केवटी किसकी थी? केवट की पत्नी थी, मतलब बहुटी, बहु बहु आई थी केवट की। तो ये तीनों हो गए। सबसे पहले तीन जलप्रपात हो रहा है, उनकी कोई नदी नहीं। फर्स्ट है बिलोही, बिलोही, बिलोही जलप्रपात। दूसरा कौन सा है? प्रियावन जलप्रपात, प्रियावन जलप्रपात। तीसरा कौन सा है? बिलोही, बिलोही, प्रियावन, पुरवा। तीसरा जो है पुरवा जलप्रपात। ठीक है, पुरवा याद रखिए, बी बी पी पी, बी पी पी क्या लिखेंगे इसको? बी पी पी। तो एक एक ये और एक ये, छह जलप्रपात है रीवा जिले में। सबसे पहले चचा जलप्रपात, इसकी ट्रिक पड़ी, इसको याद रखेंगे बी पी पी। आपका भी प्रश्न बन सकता है प्रियावन कहाँ पर है? बी पी याद रख लेना, तीन है। बी पी पी, बी से मतलब विरोही, पी से पर्यावरण, पी से पुरवा। ये प्रमुख जो जलप्रपात हो गए, ये रीवा जिले के जलप्रपात है। आगे अपन पढ़ते हैं अब भेड़ाघाट के पचबड़ी में कौन कौन से जलप्रपात है। प्रमुख रूप से ये जलप्रपात पहले थे रीवा जिले में और यहाँ पर। अब पढ़ते हैं अपन अलग अलग जलप्रपात। सबसे पहले पढ़ते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, या पर बोल सकते हैं पर्वतीय, पचमणी में। यहाँ पर जो है पचमणी में, पचमणी आप यहाँ लिख दो, पचमणी है ना, पचमणी लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये ठीक है। यहाँ पर पढ़ते हैं बहुत से पचमणी बोल सकते हैं, आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा। तीन जलप्रपात प्रमुख से रूप से जलप्रपात पढ़ते हैं। पहला कौन सा है? अप्सरा, अप्सरा जलप्रपात। ठीक है, अप्सरा जलप्रपात। दूसरा कौन सा है? रजत जलप्रपात, रजत, रजत जलप्रपात। ठीक है, रजत जलप्रपात, इसको सिल्वर फॉल भी कहते हैं। किस क्या कहते हैं? सिल्वर फॉल, सिल्वर फॉल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सिल्वर फॉल हो जाता है। तीसरा जो है डचेस, डचेस जलप्रपात, डचेस जलप्रपात। ये तीनों जो है कहाँ पढ़ते हैं? पंचमढ़ी में पढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अपन इसको ट्रिक से याद करेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ पर पंचमढ़ी घूमने गए दो लोग, कौन से? रजत और कौन, क्या बोल सकते हैं इसको, अप्सरा, दोनों गए। यहाँ पर उसकी पंच हो गई, मतलब उसको लड़ाई हो गई। तो क्या किया अप्सरा ने? रजत को क्या कर दिया? डचेस, मतलब धक्का दे दिया, सर हो गया। इसको सिल्वर मॉल भी, क्योंकि वो अपने आप, मतलब थोड़ा अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, सिल्वर समझते हैं, मैं चांदी हूँ, मतलब स्मार्ट हूँ। ठीक है, पचमणी ये घूमने का, पचमणी लगना या फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, दो ऑप्शन आ सकते हैं कि सर रजत कहाँ पे है, तो पचमणी में। इसको याद करने का बहुत सरल तरीका है। इसके बाद पढ़ते हैं अलग अलग जिले में छोटी छोटी नदियों पर। सबसे पहले केन जलप्रपात जो है पन्ना जिले में, केन जलप्रपात, केन नदी पर है, पांडव जलप्रपात पन्ना में, पांडव जलप्रपात कहाँ पर है ये? पन्ना में, ध्यान रखना, पास से पांडव, पास से पन्ना, पास से पांडव, केन नदी, क्योंकि केन नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, एक और जलप्रपात है केदारनाथ जलप्रपात है, सतपुड़ा पर्वतीय श्रेणी, यहीं पर है केदारनाथ। बट उसका ऑप्शन ए नहीं आता, केदारनाथ ध्यान रखना, कभी आ गया
सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आती है केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ जलप्रपात जो है इसी यही आता है सतपुड़ा पर्वतीय श्रेणी में। इसके बाद जो आता है एक है भालकुंड जलप्रपात है बीना नदी पर, इसको मैं यहाँ पर साफ कर देता हूँ, आप इसको लिखना हो तो लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो है सागर है, ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने साफ कर दिया, यहाँ पर ये पूरा सिल्वर मॉल इसको सर्च कर दी, यहाँ पर खत्म। यहाँ पर जो है सागर जिले के यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर भालकुंड जलप्रपात बनाता है, भालकुंड जलप्रपात ये जो है बीना नदी पर है सागर में, बीना नदी पर है सागर में, ठीक है, सागर जिले में, ठीक है, सागर जिले में। अब इसको याद रखिएगा, वो जो बीना नदी जो है किसकी नदी के सहायक है, बेतवा नदी की सहायक नदी, क्योंकि बेतवा नदी यहाँ से निकलती है, तो बेतवा नदी की सहायक नदी कौन सी है, बीना नदी है, ठीक है। अब इसके पास पढ़ते हैं कौन कौन से एक जलप्रपात और मुख्य रूप से रह जाता है जो अब मैं बताता हूँ। अब देखिए एक जलप्रपात और है, पूर्वा जलप्रपात है जो टोंस नदी पर, यहाँ लिख देता हूँ पूर्वा जलप्रपात है, इसका स्थान का नाम नहीं पता, बाकी ये टोंस नदी पर है, ठीक है, कौन सी नदी पर, पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी पर है एक जलप्रपात। इसके बाद जो पढ़ते हैं अपन ढचित हो गया, सब अपने यहाँ पर कंप्लीट पढ़ लेते हैं। अब लास्ट एक जलप्रपात हो जो सिवनी, आप देख सकते हैं एक जलप्रपात और है, इसको मैं पूरा खत्म कर दूं यहाँ से, ये मैंने इसको मिटा दिया यहाँ पर, ये पूरा। अब यहाँ पर है सिवनी में एक जलप्रपात पड़ता है, आप ध्यान रखिए उसको, शंकर खो जलप्रपात, यहाँ जामलेन पड़ता है, ये कहा शंकर खो जलप्रपात, शंकर खो ये कहाँ पड़ता है, जामनेर में, जामनेर जगह का नाम क्या है, जामनेर, सिवनी में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा सिवनी में पड़ता है, ठीक है, शंकर से सिवनी आता है, सिवनी का शंकर और जामनेर, क्योंकि वो जपते थे, जहाँ जम गए बैठ गए तो किसी की हिलाए नहीं हिलते, आपने देखा होगा, तो जामनेर शंकर जी, शंकर से सिवनी और जामनेर, जाउन या फिर कुछ भी अपन जैसा भी उनका कलर लगा दी कि जाउन जैसा कलर हो, तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैंने सब जलप्रपात पढ़ा दिए हैं और उनकी लंबाई चौड़ाई कितना कौन ऊंचाई से गिरता है कौन कहाँ पे स्थित है ट्रिक बता दी है। अच्छा नर्मदा नदी की मैंने 6 जलप्रपात पढ़ा दी, जल विमान धारा, कपिल धारा, धूप धारा, धुआंधार जलप्रपात, सहस्त्रधारा सब पढ़ा दिए हैं, केवटी नदी पर जलप्रपात, ब्यूटी नदी पर जलप्रपात, कौन से पी पी भी है, सब मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। एक बार उनका आप रिविजन कर लोगे तो आपको कंप्लीट याद हो जाएगा, आप वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हो तो कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर मेरे समस्त जलप्रपात कंप्लीट करा देते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।